इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ा था वहां पढ़ लिया था हमने अनुच्छेद 352 तक। अब हम निकालते हैं अनुच्छेद 356। 356 से हमें शुरू करना है। तो मैं आपसे फिर से बोलता हूँ आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आप सभी को हमारे चैनल को लाइक करना है। आप लाइक करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप शेयर करेंगे इसको तो ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचेगा वीडियो। और यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले वो मिलेगा। तो आप ये सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास 356 अनुच्छेद 356 संवैधानिक स्थिति। जब संविधान तंत्र विफल होता है राज्यों में, अब ये देखो ये जो आपात है ये राज्यों के लिए, सीधा ही राज्यों के लिए ध्यान रख लेना। अपन ने 352 पढ़ा वो था देश के लिए, ये है राज्यों के लिए। और जो 360 पढ़ेंगे वो वित्तीय आपात होता है, उसकी स्थिति अलग होती है। देखिए यदि किसी राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो या किसी राज्यपाल के द्वारा ऐसी शिकायत किसी राज्य की जाए कि उस राज्य के शासन तंत्र यानी कि उसके सीएम और एमएलएज के द्वारा संवैधानिक जो स्थितियां होती हैं उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में अनुच्छेद 356 लगाकर उस क्षेत्र की सरकार को विफल कर दिया जाता है। विफल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं गिरती है, लेकिन उस सरकार के सभी जितने भी अधिकार होते हैं वो केंद्र को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। राज्य की शक्ति केंद्र में आ जाना सीधा सा है अनुच्छेद 356 का मतलब है। राज्य की सभी शक्तियां किस में आ जाना, केंद्र में आ जाना, यानी कि उस राज्य के अब अन्य निर्णय कौन लेगा, राज्य केंद्र लेगा। तो देखिए ऐसी स्थिति हुई तो संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है ये कि ऐसा आपने कर दिया, यानी यहां पर देखो कुछ टिस है। कई बार क्या होता है जैसे कहीं पर दो अलग अलग पार्टियों का शासन है, ये पार्टी मान लीजिए केंद्र में है और ये दूसरी बी पार्टी है वो राज्य में है, और केंद्र वाली पार्टी अपनी पार्टी का शासन राज्य में स्थापित करना चाहती है इसीलिए वो उनको भंग कर सकती है, इस तरह की स्थिति वो अप्लाई कर सकती है इस पर। लेकिन ऐसी स्थिति में संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए ये कहा गया है कि यदि राज्य में ऐसा शासन लगाया जाता है तो वो केवल 1 माह तक के लिए ऐसी स्थिति के द्वारा लगाया जा सकता है। यदि उसे पूरे 6 माह चलाना है तो वो स्थिति संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से उसे क्या कराना होगा, पारित कराना होगा, तभी वो क्या करेगा 6 माह तक ड्राइव करेगा कहां पर, किसी राज्य में। और इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। साधारण का मतलब यहाँ पर 2/3 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आधे आधे यानी कि 50%+1 की आवश्यकता दोनों सदनों की होती है। इसके बाद में देखिए किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे 6-6 माह कर मात्र 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और 3 वर्ष के बाद में वहां पर फिर से या तो चुनाव होंगे
क्या होंगे? चुनाव, चुनाव करवाने होंगे। तो ये आपकी राष्ट्रपति की स्थिति दूसरी हुई। अब आता है आपका तीसरा, वित्तीय आपात 360, अनुच्छेद 360, ये आपका वित्तीय आपात होता है। देखिए कई बार देश के सामने ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है कि कोरोना के कारण पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। तो अनुच्छेद 360 इसके अनुसार जब ऐसी स्थिति होती है, समाधान होता है, तो राष्ट्रपति अपने एक अनुज्ञा पत्र के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक और उसकी संपत्ति जो कि राष्ट्र की संपत्ति होती है उन्हें अधिग्रहित कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक बात बहुत अच्छी है आपके लिए कि आज तक भारत में इसका प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके राष्ट्रपति की स्थितियाँ खत्म होती है। अब शुरू होता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में होगा और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। देखो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा हमको नहीं देखना है। अनुच्छेद 63 को आपको याद रखना है, वहाँ पर क्या था, 52+11, भारत में 11 को बहुत शुभ भी समझा जाता है, 52 में राष्ट्रपति और उसमें 11 रुपये और देकर उसको क्या बना दिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है, डिमोडलाइज कर दिया उसको। तो इस तरह से इसको याद रख लेना आप लोग। यहाँ पर देखिए आगे, और मत पद्धति से, आनुपातिक मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा इसे चुना जाता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, सेम वही जो राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, ठीक है, यानी कि वह राज्यसभा के सदस्य होने की सारी योग्यताएं रखता हो, साथ में वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और किसी भी राज्य या केंद्र में या किसी भी सरकार में किसी भी प्रशासनिक लाभ के पद पर या सरकारी लाभ के पद पर आश्रित ना हो। वही सारी खूबियाँ इसके अंदर चाहिए हमें। इसके बाद में होता है आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। तो देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां हमने पढ़ी, अब पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की शक्ति। तो इसकी सबसे पहली शक्ति है कि ये सभापति है, किसका, राज्यसभा का, और वो भी पदेन। पदेन का मतलब होता है पद से, पद से, यानी कि जैसे ही ये उपराष्ट्रपति बनता है वैसे ही ये राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। इसे पदे, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए इसे किसी प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया को अंजाम देने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष के बारे में मत हो तो उस, देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतदान नहीं करता है अपने राज्यसभा के अंदर, लेकिन मतदान करता भी है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी। देखो एकमात्र ऐसा अधिकारी जो किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है और उस सदन में मत भी देता है। कैसे? जब राज्यसभा पर किसी मंत्रणा में मत बराबर बराबर हो जाएं, यानी कि 50% और 50%, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना क्या देता है, निर्णायक,
मत। अब ये यहां पर देखिए, आप इसको असंवैधानिक इसलिए नहीं कह सकते, आपको लग रहा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति होता है उसको वही सरकार चुनती है जो लगभग कई सालों से लगातार बन रही है। लेकिन उसको अब यहाँ पर हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि उसका क्या करेगा, फॉलो करेगा उस सरकार को, उसका फेवर करेगा। लेकिन यहाँ हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने इस पद की गरिमा के साथ में ये बात रखी हुई है कि इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध किसी भी पार्टी के साथ में नहीं रखता है, और वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक होता है, इसीलिए हमें उसकी इस तरह की बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी स्थिति हुई राष्ट्रपति की शक्तियाँ पदेन सभापति के तौर पर। अब दूसरा आता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उस समय राष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति, यानी कि उस समय उपराष्ट्रपति किसका, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और इसे राष्ट्रपति के समान ही वेतन व भत्ते मिलेंगे, ध्यान रख लेना, और उन्मुक्तियां और छूट भी उसी प्रकार से मिलती हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, अब राष्ट्रपति क्यों हटा दिया जाता है, तो देखिए, या तो राष्ट्रपति, एक तो ऊपर वाले ने हटा दिया हो भाई, तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वहाँ किसी की नहीं चलती, तो वो तो हट ही गया, ऐसी स्थिति में तो वो पद रिक्त है। दूसरा, पहला मृत्यु, दूसरा आपका महाभियोग, तीसरा कोई विदेश यात्रा हो, या चौथा बीमार, ये कुछ एक स्थितियां हैं जिनके द्वारा जब ऐसी स्थिति होती है तो उस समय उसके राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। ठीक है, तो यहां आपका राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर होता है। आपने कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 के बाद में जो आपका कार्यपालिका का फर्स्ट टॉपिक होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में केवल वही शक्तियां बताई हैं जो आपके बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। वैसे सभी शक्तियाँ मिक्सअप होती हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्लियर पहले ही कर दिया था कि राष्ट्रपति मुख्य रूप से प्रधानमंत्री से पूछकर ही सारे कार्य करता है, या प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। तो जब हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल एक लाइन से ही काम हो जाएगा कि ये शक्तियाँ यहाँ से राष्ट्रपति को भी दी जाती हैं, राष्ट्रपति को भी समर्थन करती हैं, तो वहाँ से आपके वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश की है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को लेना। और फिर से कहूँगा आपसे कि लाइक कीजिएगा ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, शेयर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको समय पर आने वाली नई अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद। जय हरि सिंह।